नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर 2022 की आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, समझिए स्वयं, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है कि व्यक्ति का नियत कैसी है, विनय बता देता है कि शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है कि हौसला कैसा है, वाणी बता देती है कि स्वभाव कैसा है, और अंत में मृत्यु बता देती है कि जिंदगी क्या है। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह बातें अगर आपको समझ में आई हो, सच्ची लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन शनिवार 5 नवंबर 2022, शूल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम के 5:07 रहेगा। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। उत्तर भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रात्रि के 11:56 रहेगा। उसके उपरांत रेवती नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। हर्षण नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातःकाल 1:23 रहेगा। उसके उपरांत वज्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 9:24 लेकर सुबह के 10:47 तक। और चंद्रमा दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, तो यह समय रहेगा सुबह के 11:48 से लेकर दोपहर के 12:32 तक। यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं, ये जो ग्रहों की स्थिति है और जो चंद्रमा का गोचर है आपकी राशि पर, आपके दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही किन किन क्षेत्रों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में 3 बहुत ही अच्छे मंत्र देने वाले हैं जो कि आपके जीवन काल के सुख शांति से जुड़ा होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिन राशि फल। दोस्तों यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपकरण करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने मेहनत के व फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यश में आपकी विशेष पहचान बनेगी। किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों यश समय समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो है उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इस मित्रों का आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यश में संबंध मधुर बनाकर रखें। धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी यश में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों घर में मेहमानों की आवाज आई रहेगी। युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा व फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर से समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है, तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है
यह बात भी आपको पता चलेंगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो, लेकिन दोस्तों मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए इसमें होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यशमय ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। दोस्तों यशमय मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यश में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का जो है यूप रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। यश में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियां भी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय हर निर्णय को दोबारा परख कर आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यश में आलस से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक संबंधी कार्यों के लिए जो दिन होंगे उत्तम दिन भी होगा। घर तथा व्यवसाय में इसमें संतुलन बना रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ अमोद प्रमोद व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय भी आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है, जिसकी वजह से कुछ चिंता भी होना स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यह समय मित्रों के साथ मेलजोल में आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए दोस्तों यश में इनसे दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसे से संबंधित सभी काम आपके वक्त से पहले पूरे भी होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आपको यश में आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु उधार संबंधी कार्यों में इनसे दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप यश में उधार लेने की कोशिश भी करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही लें, क्योंकि दोस्तों यश में आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। किसी नए कार्य की शुरू करने की जो योजना है वो इन्हें स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है परिस्थितियाँ उतना अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का ऑफिस से नकारात्मक माहौल में धैर्य और संयम बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव भी दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में भी यश में सुधार आएगा। दोस्तों धन संबंधी किसी भी तरह के लेन देन के लिए जो समय होंगे बहुत ही अच्छा समय होगा। तो आए दोस्तों से की शायद बात करते हैं कि घर में सुख शांति के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों जीवन का मुख्य बिंदु है घर। अगर घर में ही भटकाव तथा अशांति की स्थिति बनी रहेगी तो संपूर्ण जीवन नरक बन जाएगा। अनेकों प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी अगर अशांति एवं कलह के कारणों का अस्पष्टता पता नहीं चल पा रहा हो तो दोस्तों आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, दोस्तों आप उनका उपयोग जरूर कीजिएगा, इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। दोस्तों पहला मंत्र है घर में सुख शांति के लिए। अगर घर में सुख शांति का अभाव हो गया है या फिर प्रतिदिन कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है अथवा ऊपरी बाधा पारिवारिक झगड़े अस्थायी रूप से रहते हैं, तो इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका उचित ढंग से प्रयोग करने से सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों यह मंत्र है यानी कानी च पापनी जन्मंतर कृतानी च तानी शर्वानी नश्यंतु प्रदक्षिणा पदे पदे। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आपको लगातार 6 दिन तक प्रातः शांत भाव से करना होगा, तो दोस्तों घर में शांति का वातावरण निश्चित ही बनेगा। दोस्तों दूसरा मंत्र है, तो इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे।